सा प्रोग्राम मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद डिवीजन का भी सिखाऊंगा। पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम आपको समझ में आना चाहिए। रेडी? यस। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लीकेशन हम लोग दो प्रकार का कर सकते हैं। वी कैन परफॉर्म 8 बिट मल्टीप्लीकेशन एंड 2 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल। 8 बिट मल्टीप्लीकेशन, दूसरा क्या है 16 बिट मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन दो प्रकार का होता है, 8 बिट मल्टीप्लीकेशन और 16 बिट मल्टीप्लीकेशन। 8 बिट मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है 8 बिट नंबर को 8 बिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और 16 बिट मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है 16 बिट नंबर को 16 बिट नंबर से मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया। इंसर्शन मैं पे लिखता हूं जो मैं यूज करने वाला हूं। अगर 8 बिट मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो मैं यूज करता हूं मल्टीएल, और 16 बिट मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो मैं लिखता हूं मल बीएस। मल बीएस। बीएल कितना बिट होता है? 8 बिट। बीएक्स कितना बिट होता है? 16 बिट। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए कितने नंबर्स होने चाहिए? दो। मल्टीप्लीकेशन करने के दो नंबर होने चाहिए, कॉमन सेंस है, मतलब इसके लिए कोई क्लास लगाने की जरूरत नहीं। बच्चा बोलता सर आपने यहाँ पे बीएल लिखा है, चलो एक नंबर बीएल में, दूसरा नंबर किधर है? मल्टीप्लीकेशन करने के दो नंबर होने चाहिए। आपने लिखा मल बीएल, मतलब एक नंबर को बीएल में रखा है, दूसरा नंबर कहाँ था? एएल। कहाँ पे लिखा है? क्या है वो? डिफॉल्ट। बहुत बढ़िया। बाय डिफॉल्ट एक नंबर एएल में शोर होता है। यहाँ पे दूसरा नंबर कहाँ पे शोर होगा? तो मल्टीप्लीकेशन में याद रखना बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से, हमारे पहले से, ठीक है, और हमारे बात भी ऐसे ही होगा। ओके, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट नंबर या फिर क्या लिखा है? बाय डिफॉल्ट फर्स्ट नंबर एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, फिर आप इंटरप्रेट करो या फिर फर्स्ट नंबर एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, हमेशा याद रखना। रिजल्ट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन बाप रे। ये मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? अरे मल्टीप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ। मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट नंबर हमेशा, और मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट भी हमेशा एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। क्लियर है? सॉल्व। एक्यूमुलेटर तीन साइज में अवेलेबल होता है। मतलब होता है AL। किसने बोला 16 बिट एक्यूमुलेटर दिखाओ? किसने बोला 32 बिट एक्यूमुलेटर दिखाओ? AX कितना बिट होता है? 16। हमें 32 बिट एक्यूमुलेटर बनाना है। कितना बिट? 32 बिट। तो AX के साथ हमें और एक रजिस्टर यूज करना पड़ेगा। तो सुन लो, कोई भी अपने मन से नहीं लगाने का, हमेशा बाय डिफॉल्ट AX के साथ कौन आता है? AX आता है। तो आपको एक्यूमुलेटर समझ में आया क्या? तो 8086 माइक्रोप्रोसेसर में 8 बिट एक्यूमुलेटर होता है, 16 बिट एक्यूमुलेटर होता है, और 32 बिट एक्यूमुलेटर होता है। 8 bit accumulator मतलब AL, 16 bit मतलब AX। मल बीएल क्या लिखा आपने? मल बीएल। जब आप लिखोगे मल बीएल, ये मल बीएल एक इंस्ट्रक्शन है। क्या है? इंस्ट्रक्शन। मल बीएल मतलब मल्टीप्लाई द डेटा ऑफ बीएल रजिस्टर। तो जब आप मल बीएल लिखते हो तो होता क्या है? AL मल्टीप्लाई होता है बीएल के साथ। AL कितना बिट? 8 bit। BL कितना bit? 8 bit। AL और BL दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद आपको क्या मिलेगा? 16 bit। आपको प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रोडक्ट मिलता है, यस और नो? इसकी भी क्लास लगाने की जरूरत नहीं। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या मिलता है? प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट कितना बिट मिलता है? 16 bit। यस और नो? यस। 8 bit नंबर को 8 bit नंबर से मल्टीप्लाई करोगे
तो प्रोडक्ट हमेशा 16 बिट। सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही होगा, आप कितना बिट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, 16 बिट। एक नंबर किसमें है, yes. दूसरा नंबर किसमें है, yes. तो जब आप मल बी एक्स लिखोगे तो ए एक्स के अंदर जो नंबर है वो मल्टीप्लाई होगा किसके नंबर के साथ, एक्स के अंदर 16 बिट नंबर होगा, बी एक्स के अंदर 16 बिट नंबर को 16 बिट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो 32 बिट आता है, कितना बिट, 32 बिट। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो किसमें आएगा, रिजल्ट किसमें आएगा, मैंने क्या बोला, रिजल्ट को आप क्या बोल सकते हो बेटा, सो प्रोडक्ट is also stored in accumulator. ये product किसमें आएगा? Yes. Accumulator में आएगा. कितना bit? 16 bit accumulator मतलब? Yes. Yes or no? Yes. तो मेरे ख्याल से आपको idea आ चुका है. Yes. इस BL की जगह पे CL लिख सकता हूँ क्या? नहीं. लिख सकता हूँ. ये मतलब? नहीं. यहाँ पे BL की जगह पे आप CL लिख सकते हो. BHB. CHB. DLDH भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बराबर, ये दूसरा नंबर आप कहीं भी रखो, फर्स्ट नंबर बाय डिफॉल्ट हमेशा AL में रखने का। बराबर, यहाँ पे प्रोडक्ट कितना बिट है, 32 बिट। प्रोडक्ट शो करने के 32 बिट जगह चाहिए अपने पास, 32 बिट एक्युमुलेटर है क्या, है ना? DX DX में क्या स्टोर होता है, AX में क्या स्टोर होता है, इसमें स्टोर होता है लोअर वर्ड ऑफ प्रोडक्ट, बोलो, और इसमें स्टोर होता है हायर, आपने लोअर बाइट हायर बाइट तो बहुत बार सुना होगा, बाइट मतलब कितना बिट, वन बाइट इज इक्वल टू वन वर्ड 16 बिट, वन वर्ड इज इक्वल टू ओनली बिट्स, मैंने आपको डीबी डीडब्ल्यू डीडी डीक्यू डीडी ये सब सिखाया है कि नहीं, वो सब याद होना चाहिए। वर्ड मतलब 16 बिट, वर्ड मतलब 16 बिट। ये रिजल्ट कितना बिट है, 32 वर्ड्स है, कितने, दो वर्ड्स, एक लोअर वर्ड होता है और एक हायर वर्ड, सो लोअर वर्ड यस, हायर वर्ड यस, ये हमेशा बाय डिफॉल्ट होता है, ये आपके मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शंस, कौन से, मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शंस, यस ऑर नो। इसमें आपने कभी कभी आई मल सुना तो होगा, क्या सुना होगा, आई मल, जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए मल लिखते हो ना, वैसे कभी कभी आई मल, ये दिख रहा है क्या, कभी कभी हम लोग आई मल भी लिखते हैं, जैसे आई फोन फोन और आईफोन, वैसे मल और आईफोन, बराबर ना रे। तो आई क्यों लगाया ऐसे स्टाइल में, साइंड मल्टीप्लिकेशन, और ये मल रहेगा तो अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन। ये आपने अभी नोट्स में देखा है, ये आपको पहले से बता देना कॉलेज, वाह वाह इंग्लिश, वाह अभी बहुत बढ़िया। व्हाट डू यू मीन बाय साइंड, व्हाट डू यू मीन बाय अनसाइंड, इस नंबर के पीछे साइन लिखा है क्या, साइन नहीं लिखा है मतलब इसको अनसाइंड बोलते हैं, बराबर है कि नहीं। हेमंत, नंबर पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, ये 12 पॉजिटिव है, हां हां अनसाइंड, अगर आप किसी नंबर को साइन नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो नंबर पॉजिटिव, तो अनसाइंड का मतलब होता है पॉजिटिव। मैंने अगर 100 नंबर्स लिखे, कितने, मैंने 100 अनसाइंड नंबर्स लिखे, मतलब मेरे 100 के 100 नंबर पॉजिटिव, अनसाइंड मतलब उनके पीछे कोई साइन नहीं, साइन नहीं है मतलब वो नंबर पॉजिटिव, समझा के। नेक्स्ट श्रुति, साइन नंबर कौन सा, साइन, साइन में तुम लोग प्लस 12 भी लिख सकते हो, माइनस 12 भी लिख सकते हो, प्लस 12 लिखो या फिर माइनस 12, साइन में नंबर के पीछे साइन लिखा जाता है, ठीक है, नहीं प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी, यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मैंने अगर कहा मेरे पास 100 साइंड नंबर, 100 साइंड नंबर्स, मतलब उसमें कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव, कितने तक भी पॉजिटिव होंगे उसमें, क्योंकि 100 नंबर्स हैं,
100 साइंड नंबर्स है, उसमें पॉजिटिव कितने होंगे नेगेटिव कितने होंगे ऐसा मैं पॉजिटिव होंगे और कितने पॉजिटिव होंगे और कितने ऐसा पूछ रहा हूँ। 50 पॉजिटिव 50 पॉजिटिव होता है 50 नेगेटिव होता है 50 पॉजिटिव और 50 नेगेटिव, हमेशा आधे पॉजिटिव होंगे आधे नेगेटिव, समझा गया। तो साइंड अनसाइंड का आपको आइडिया आया? हां। तो जब हम साइंड नंबर बोलते हैं मतलब नंबर पॉजिटिव हो सकता है, जब हम अनसाइंड बोलते हैं मतलब नंबर पॉजिटिव। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव नंबर का कर रहे हो, आपका एक नंबर नेगेटिव है, आपके दोनों नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर्स अगर आपको मल्टीप्लाई करने हैं तो आपको आई मल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? आई मल, समझा? इज दैट क्लियर? क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, साइंड अनसाइंड कुछ भी लिखा नहीं है, बाय डिफॉल्ट अनसाइंड, बाय डिफॉल्ट आपको क्या बोलना है? अनसाइंड बोलो, समझा गए? यस, समझा। आई मल इज यूज्ड फॉर साइन मल्टीप्लिकेशन, मल इज यूज्ड फॉर अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन। In unsigned multiplication, all numbers are positive. In signed multiplication, numbers are positive. Numbers are positive as well as negative. Baat khatam. Samjha na? Here. Write a program. 2 multiply. 2 multiply. 2 16-bit. Numbers. Okay. राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 216 रेडी चालू करें। 16 बिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 16 बिट मल्टीप्लिकेशन करना है। यस और नो? यस। स्टार्ट करें। प्रोग्राम में कुछ चीजें हमेशा फिक्स होती है, मैंने आपको कहा था। सबसे पहले हम लोग किसी भी प्रोग्राम में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेटा सेगमेंट, जो बोलेगा वो पास होगा, अच्छे मार्क्स। ठीक है, डेटा सेगमेंट हम लोग नंबर्स डिफाइन करेंगे। यस और नो? यस। क्लियर? कितने नंबर डिफाइन करोगे? दो नंबर डिफाइन करने पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन कितने नंबर्स के ऊपर होता है? दो। यस, तो मैं लिख रहा हूं ऐसा, फर्स्ट अंडरस्कोर नम, और यहां लिखता हूं मैं सेकंड स्मॉल कैपिटल, कुछ भी यूज करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जनरली मैं सब कैपिटल में लिखता हूं। आपके हिसाब से फॉलो डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, कोई भी नंबर बताओ मुझे 16 बिट। 1 2 3 4 वाह बेटा, वाह। सही है कि नहीं? Yes. दो नंबर्स हमने डिक्लेयर किए। Yes. इसके बाद हमें रिजल्ट स्टोर करना है। क्या स्टोर करना है? Result. कितना बिट रिजल्ट है? 32. क्या 32 बिट रिजल्ट एक साथ आप स्टोर कर सकते हैं? क्योंकि जो डेटा बस रिजल्ट लेके जाएगा, जो डेटा बस हमारे पास अवेलेबल है वो कितना बिट है? 16 बिट डेटा ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि डेटा बस कितना बिट है? 16। एक साथ 32 बिट रिजल्ट आपका मूव नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, 8 बिट मल्टीप्लिकेशन में पूरा का पूरा प्रोडक्ट आप एक साथ मूव कर सकते हैं, क्योंकि 16 बिट है। ये कितना बिट है? 32। इसको दो पार्ट में मूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। कितने? दो। प्रोडक्ट ऐसा लिखोगे लो, प्रोडक्ट हाई चलेगा ना? प्रोडक्ट एल ना, आपको समझ में आए कि आपने क्या किया है ना? अभी प्रोडक्ट क्या होगा हमें पता नहीं, वो बाद में आने वाला है ना, मल्टीप्लिकेशन के बाद पता चलेगा। तो वहाँ पे क्या लिखने का? तो दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद दो और वेरिएबल जिसमें मैं रिजल्ट स्टोर करूंगा। प्रोडक्ट लोअर वर्ड, प्रोडक्ट हायर वर्ड, यस ऑर नो? क्लियर? डेटा एंड्स, डेटा एंड्स। अभी चालू होगा कौन सा सेगमेंट? कोड सेगमेंट। कोड सॉरी से को डिस्टर्ब किया मैं, अज्यूम सीएस कोड, कोड सीएस कोड डेटा। आगे बोलो, स्टार्ट स्टार्ट ये मैंने कैपिटल लिखा था कि स्मॉल लिखा था? कैपिटल लिखा था। इतने स्टेटमेंट्स आपके हमेशा फिक्स रहते हैं, बराबर? यस। अभी हम लोग प्रोग्राम लिखना चालू करेंगे। 16 बिट मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट नंबर किसमें होना चाहिए? यस। एक्स। सेकंड नंबर किसमें होना चाहिए? यस।
चलो ax में फर्स्ट नंबर लेंगे, bx में सेकंड नंबर. मूव एक कोमा फर्स्ट नंबर. फर्स्ट जैसा ऊपर नाम दिया वैसे लिखेंगे. मूव एक कोमा फर्स्ट. जो भी फर्स्ट नंबर है वो किस में आ जाएगा? ax में आ जाएगा. 1 2 3 4 बराबर है क्या अश्लेष? यस. मैं दो सौ पास आ गया. 1 2 3 4 नेक्स्ट सेकेंड नंबर किस में लेना है? बी एक्स में लेना है. यस और नो? निर्विघ्न नंबर में लेगा. यस. बी एक्स कोमा सेकंड है. सेकंड क्या? तो क्या आएगा रे निर्विघ्न बी एक्स में? 5 6 7. अभी मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ. भाई बाबू का इधर देख. मल मल बी एक्स का मतलब मल्टीप्लाई BX. Which BX. Store higher word of product in BX. Lower word of product in BX. So, जब आप मल BX लिखोगे तो मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगा और रिजल्ट कुछ इस तरह से स्टोर होगा. तो अपना हायर वर्ड कहाँ पे है? BX. लोअर वर्ड कहाँ पे है? BX. हमें हायर वर्ड को BX से यहाँ पे मूव करना पड़ेगा प्रोडक्ट H में. और लोअर वर्ड जो है AX से प्रोडक्ट L में मूव करना पड़ेगा. बराबर है? सॉल्व करो. क्लियर? इन प्रोडक्ट L कॉमा AX का डेटा प्रोडक्ट L में मूव कर दिया. यस. ठीक है. नहीं जब हम मूव इंसर्शन लिखते हैं आपको मैंने सिखाया है मूव डेस्टिनेशन. डेटा हमेशा सोर्स से डेस्टिनेशन सोर्स से डेस्टिनेशन में जाता है. मतलब डेटा यहाँ से ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन. जो भी वैल्यू AX में है वो किस में चला जाएगा? चला गया. यस और नो? यस. फिर नेक्स्ट बोलो प्रोडक्ट H कॉमा BX. यस और नो? बस ये पांच इंस्ट्रक्शंस आपका प्रोग्राम. बाकी तो हमेशा लिखते हैं. रिटर्न कोड कैसे लिखते हैं? मूव आगे बोलो एंड हर प्रोग्राम में ये हम लोग लिखते हैं. ये जितना भी ब्लैक वाला पार्ट है हर प्रोग्राम में सेम रहता है. बराबर है कि नहीं? सिर्फ ये ब्लू वाला पार्ट जो है वो आपका. सर कमेंट अगर लिखना तो कैसे लिखें? क्या लिखने का? मूव सेकंड नंबर. बोलना बाबू इन. इसके लिए क्या लिखू? परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन. परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन. इसमें कोई जेएनसी वगैरह कुछ नहीं है. परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन. इसमें स्टोर क्या स्टोर कर रहे हो? स्टोर लोअर वर्ड ऑफ. अच्छे से लिखने का. और यहाँ पे लिखेंगे स्टोर हायर वर्ड ऑफ. अगर कभी तुमको पूछा एल्गोरिथम लिखो क्या बोला? तो यही सेमी कोलन हटा के यहां पे 1 2 3 4 डालने का. सिर्फ 1 इधर नहीं डालने का, 1 इधर डालने का. स्टार्ट 2 3 4 5 6 7 पे स्टॉप लिखने का. बन गया आपका एल्गोरिथम. यही तुमको फ्लो चार्ट में बोला तो सेम लिखने का. बॉक्स वगैरह ऐसे समझा के मेरे ख्याल से प्रोग्राम आपको समझ में. एच एन कौन सा? Yeah.